ठीक है, तो वापस एडिटर में आ रहा हूँ। ठीक, तो मैंने क्या किया, मैंने जीसीडी ऐड किया। कैसे किया, सिर्फ और सिर्फ मैंने यहाँ से टेक्स्ट उठाया, टेक्स्ट को लिया, ये क्या था, हेडिंग लिखा हुआ है, टेक्स्ट जो सा होगा वो आपका ये टेक्स्ट एडिटर लिखा हुआ है, टेक्स्ट ये होगा। सर स्क्रीन नजर नहीं आ रही। अच्छा, मैंने शो ही नहीं की, नहीं स्क्रीन तो शेयर है मेरा, क्या स्क्रीन तो शेयर नहीं हो, जल्दी नजर आ रही है अभी। दोबारा कर देता हूँ। ठीक है, दोबारा कर देता हूँ स्क्रीन शेयर। ओके ठीक है, तो ये जो सा था ना, बताना चाह रहा था। अब ये देखो, ये टेक्स्ट था, ये हेडिंग थी हमारी। ठीक है, मैंने क्या किया, हमने क्योंकि एक चूज़ किया हुआ था, मैं वापस अगर कंट्रोल सी से थोड़ा सा वापस चले जाता है, अगर वापस ना जाए, ये देखो अगर वापस ना जाए तो आपने क्या करना है, डिलीट करो, अभी के लिए ख़त्म कर रहा हूँ। ठीक है, तो हमने क्योंकि एक चूज़ किया हुआ था ना, अगर आपको पता हो कि जब मैंने ये देखो, ये मैंने ऐड ऐड सेक्शन अगर क्लिक करा ना, तो ऐड सेक्शन भी हो सकता है, अगर जब मैंने चूज़ किया था तो मैंने एक चूज़ किया था। ठीक है, तो आपको शायद पता हो जब मैंने चूज़ किया था तो एक चूज़ किया था, तो ये था वो एक, ये है। ठीक है, मैंने क्या किया, हेडिंग को उठाया, ड्रैग किया, और जहाँ पर ये बना होगा वहाँ पर जाके मैंने क्या कर दिया, पेस्ट, बस सिंपल सा इतना सा काम किया। ये बेसिकली ये एक ये बना हुआ है, ये एक बना हुआ है, एक ये बना हुआ है, क्योंकि हमने डिलीट कर दिया पर हेडिंग हमारी ऑलरेडी वहाँ मौजूद थी। ये देखें, ये दो बने हुए हैं, तो इसको डिलीट कर देना हमें, ये अभी के लिए मैं ज़रा इसको डिलीट कर। तो अब ये देखें, अब सिर्फ एक है हमारे पास, जैसे पहले था, अगर कंट्रोल जी से नहीं वापस जा रहा, ये देखो ये हिस्ट्री लिखी है, हिस्ट्री में चले गए, हिस्ट्री में जाके ये हेडिंग यहाँ से थी, यहाँ पर ख़त्म कर दो, तो सेक्शन पे चलो, मतलब केला सेक्शन ही जाने दी। ये देखो हिस्ट्री का ये बेनिफिट है। अब अंडू जिसे कहते हैं ना, अंडू, ये वो चीज़ है, ये देखो वो बत, इसमें अंडू की दो ऑप्शन है, एक ये अंडू है हिस्ट्री वाला, एक रिवीजन है। रिवीजन का मतलब होता है कि आपने कितनी बार इसे अपडेट किया है। अगर मैं इसे अपडेट करता हूँ, ये देखो अगर मैं अपडेट करता हूँ, एक रिवीजन और ऊपर हो जाएगा, अभी तो नहीं हुआ, जैसे ही मैं रिफ्रेश करूँगा पेज पे, तो ये एक मैंने किया था, ये 1 सेकेंड अगो रिवीजन दिया है। ठीक है, 5, 48, पता नहीं कौन सा टाइम दे रहा है। ठीक है, तब मैंने ये किया था उससे पहले अपडेट, तो आपका ये आया हुआ है। ठीक है, अदरवाइज आप जैसे ही करोगे आपका यहाँ पर रिवीजन शो हो जाएंगे जितनी बार आप अपडेट। मैं वापस जा रहा हूँ, मैंने टेक्स्ट लिया, मैंने टेक्स्ट लिया, सबसे पहले मैंने यहाँ के आके पेस्ट किया। आपने पेस्ट जो टेक्स्ट करना है वो ये जो सा प्लस का निशान है इसके अंदर करना है, ना कि ये नीचे वाले पे, ये प्लस का निशान के अंदर आपने पेस्ट करना है। ठीक है, तो मैंने उठाया और जैसे ये ऐसे बनेगा फिर पेस्ट होना है, फिर बन गया ना, जैसे ही डबल थोड़ा सा लाइट आउटलाइन हुई है डार्क सी, वहाँ पर जाके आपने क्या करना है, सिर्फ पेस्ट कर दे, पेस्ट किया और इसको कर देना कंटेंट सेंट, मैंने सेंटर पे लेके आ चला था। तो मैंने क्या किया, यहाँ से नहीं आपने चेंजिंग करनी, ठीक है, यहाँ से हमेशा याद रखना, डिलीट नहीं करना आपने कभी भी, यहाँ से डिलीट नहीं करना कुछ भी, आपने जो भी टैक्स होगा आपने यहाँ से टाइटल पे जाकर डिलीट करना है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर जीसीटी लिख रहा हूँ, कैपिटल में लिखूँ स्मॉल में लिखूँ मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो मैंने ऑलरेडी उसको ट्रांसफार्मर अपर केस किया हुआ है। तो मैं अब स्टाइल पे जा रहा हूँ, स्टाइल पे गया, मैंने स्टाइल पे टाइपोग्राफी पे गया, टाइपोग्राफी का मैंने आपको इसलिए वो मैंने चीज़ें आपको मेन्यू बार का हर चीज़ को एक्सप्लेन किया था, क्योंकि आपको पता लग गया टाइपोग्राफी का, टाइपोग्राफी होती है आपकी ये चीज़। तो मैंने इस पर थोड़ा सा ये रिजोक कलर यूज़ कर लिया, यहाँ ये ठीक है, ये कुछ ज़्यादा ही डार्क, कुछ और ही हो गया, ये ठीक, मैंने इसे थोड़ा सा डार्क किया, तो साहिवाल किया इसका मैंने थोड़ा सा पेस्ट्री इस तरह कर दिया। तो ये कलर असल में इस पे उठ नहीं रहा, क्यों नहीं उठ रहा, क्योंकि ये ग्रीन ग्रीन मिक्स हो रहा है, तो मैं चाह रहा हूँ कि इसका कलर थोड़ा सा ना चेंज कर दूँ, इसका कलर कलर स्कीम में जाऊँ, ये लूँ या, ठीक है, तो मैंने इसे चेंज कर, ये भी मैच हो गया साथ, देखो अच्छा नहीं लग रहा, तो वो लेना कलर जो सा इसके साथ मैच हो जाए, तो ये देखते हैं हम, तो ये पेस्ट करते हैं, तो ये भी असल में मैच हो गया है, असल में ये कलर इस पे यही सूट करना है, पर उसके लिए हमें क्या करना पड़ना है, अभी के लिए मैंने इसको ये कलर सूट कर रहा है, पर उसके लिए हमें एक चीज़ देखनी पड़नी है। मैं ये 3 6 डोर पे जा रहा हूँ, 6 डोर पे गया, मेरे पास इमेज थी, ओवरले था, ओवरले पे मैं इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी ज़्यादा कर रहा हूँ, अब देखो अब इस पे थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है। तो बेसिकली इमेज पे ना, इमेज पे जो टेक्स्ट होता है ना वो अच्छा नहीं दिखता, क्योंकि इमेज डिफरेंट, हाँ कुछ इमेज होती है जिनमें टेक्स्ट अच्छा दिख जाता है, पर कुछ में जिसमें अच्छा ना दिखे ना, तो उसमें क्या करना है, आपने उसका थोड़ा सा आउट
आउटलाइन दे देनी है, मतलब टेस्ट ही दे देनी है। ये ओवरले उसे डाल देना थोड़ा सा, ठीक है। ये देखो थोड़ा सा ओवरले किया, ये परफेक्ट लग रहा है। आप ये देखें, अब ये उस पर अच्छा भी लग रहा है कि अब जो सा मर्जी कलर लगाऊंगा वो अच्छा लगेगा। अगर मैं ये भी कलर लगाता हूँ तो मैं इस पर क्लिक करूँगा सिर्फ, मैंने अगर इस पर जाना है ना, जी सी टी में जाना है, तो मैं जी सी टी पर क्लिक करूँगा सिर्फ, ठीक है। और कलर स्कीम में जाके मैं पेस्ट कर रहा हूँ कलर, नहीं वही अच्छा लग रहा था, ठीक है। बैक आ रहा हूँ, कंट्रोल जी से बैक आ लेता हूँ, ठीक है। यही ठीक लग रहा है, परफेक्ट। अब मुझे क्या बनाने हैं, दो सेशन कौन से बनाने हैं, एक बटन ये बनाना है, एक ये बटन बनाना है। अब बटन है दो, दो बटन बनाने के लिए हमें यहाँ तो एक लाइन में हम दो बटन बना लें, ठीक है। एक तो ये हमारे पास सोल्यूशन है, एक लाइन पे दो बटन बन जाए, मतलब बटन लें और एक लाइन पे दो बना दें, एक तो ये है हमारे पास। वालेकुम सलाम। तो अब एक तो ये है, अब दूसरा क्या है हमारे पास ऑप्शन, एक और है हमारे पास, एक ऑप्शन होती है इनर सेक्शन की, ठीक है। इनर सेक्शन क्या करता है, इनर सेक्शन हमें बिल्ट इन दो प्रोवाइड करते हैं ऑप्शन, जैसा कि इसमें क्लिक करता हूँ, इस पे पास ये आ रहे ना, इस तरह के दो प्रोवाइड करते हैं हमें, छोटे छोटे दो प्रोवाइड करता है इनर सेक्शन, ठीक है। ये मोस्टली काफ़ी सारे हैं, पर हमें क्या प्रोवाइड करता है, दो। तो मैं क्या करता हूँ, इनर सेक्शन को उठाता हूँ, जी सी टी के नीचे, ये देखो ये बन गया ना, ऊपर करना चाहे तो ऊपर से बन जाएगा। मैं जी सी टी के नीचे जाके ये पेस्ट कर, देखो अब मेरे पास इनर सेशन दो बन गए। अगर मुझे एक और चीज़ बताना चाहना चाह रहा हूँ, अब अगर मुझे जी सी टी के नीचे थोड़ा सा टैक्स लिखना होता तो मैं क्या करता, मैं टैक्स उठाता, अब ये देखो सेंटर पे लेके आना चाहूँ तो सेंटर पे ले जाऊँगा, नीचे लेके जाना चाहूँ नीचे, ऊपर लेके जाना चाहूँ नीचे। तो मैंने क्या किया, मैंने सेंटर पे लेके आना, मैं सेंटर पे टैक्स लिखना चाह रहा था। अब सेंटर पे टैक्स है बिल्ट इन, वो कुछ इस तरह का नजर आ रहा है, तो रहने में यही देता हूँ, इसको थोड़ा सा कम कर देता हूँ। तो थोड़ा सा मैंने कम किया, ठीक है। तो अब मैंने इसे क्या किया, इसकी पोजीशन ये देखो, ये एडिटर है, ठीक है। एडिटर में मैंने इसकी पोजीशन क्या की, सेंटर, ये सेंटर पे आ गया। लग लाइट सर आया क्योंकि मैंने इसका कलर जो था दिया था ग्रीन टाइप का दिया था, इमेज हमारी थोड़ी सी कलरफुल है, इस वजह से उस पर अच्छा नहीं लग रहा, तो इस पर वाइट कलर थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ये देखो परफेक्ट, ये देखो वाइट थोड़ा सा अच्छा लगा। अब ये देखो वाइट कलर अच्छा लगा, रोबिक है, रोबिक वाइट में अच्छा लगता है। तो अच्छा, आपने अपनी कलर स्कीम देख ली अपने मुताबिक, ठीक है। अब ये देखिए परफेक्ट लग रहा है। अब मुझे यहाँ पर चाहिए दो बटन, कौन से वाले बटन चाहिए, ये देखिए, ये देखो ये एक बटन था लर्न और स्टार्ट नाउ का, अब मुझे दो बटन चाहिए। तो मैंने क्या किया, ये हमारे पास बटन है, तो मैंने उठाया बटन और ये इनर सेशन के अंदर बटन लगा दिया। अब मैंने बताया था कि बटन को बिल्ट इन 20% 20 पिक्सल 20% हर तरफ से रेडियस थी, जब मैंने बटन बनाया था उसका कलर भी दिया था कि ये कलर आए, ठीक है, ये बिल्ट इन वही कलर है। अगर मेरे एक वेबसाइट में डिफरेंट मल्टीपल कलर होते, ठीक है, मल्टीपल बटन्स होते, तो मैं सिर्फ एक पे जाके कलर चेंज करता और ऑटोमेटिकली हर किसी पे कलर चेंज हो जाता, ठीक है। ये बेनिफिट होता है जो सामने साइड सेटिंग के। अब अगर मैं साइड सेटिंग पे जाऊँ तो मुझे बटन जो सा है, अब एक बटन नहीं होगा, इस पर शायद ऑप्शन आए कि आप मल्टीपल बटन भी ऐड कर। अब मेरे बटन का जो सा था नॉर्मल, ठीक है, बटन में 20% ही आ रहा था, तो इसको मैं 20 के बजाय ज़ीरो कर रहा हूँ, ये नहीं पसंद आ रहा, वो मैंने ज़ीरो कर दिया। और टाइपोग्राफी में एक मिनट, टेक्स कलर वाइट है, बैकग्राउंड कलर ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो टेक्स कलर में जा रहा हूँ, टेक्स्ट कलर थोड़ा सा 19 है, तो अभी के लिए टेक्स्ट कलर ठीक है, हम खुद कम करेंगे, ठीक है। बॉक्स देना चाह रहे हो तो वो देखो शेडो आ रहा है, तो अभी हमें ज़रूरत नहीं है इसकी, तो मैं इसे बैक कर। तो अब ये वो चीज़ है, अब मैंने वापस आया, अपडेट कर दिया, ये देखो ओवर पे भी इफेक्ट लग रहा है, तो इसको ओवर को भी इग्नोर करते हैं, अभी ओवर तो नहीं हमें चाहिए। अब ये बटन कैसे बने हुए हैं, टोटल कुछ बटन, ये बटन कहाँ गया, डार्क, ठीक है, डार्क में बटन एक यहाँ बना हुआ है, एक यहाँ बना हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस वाले बटन को, इस वाले बटन पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो मैं इसे क्या कर दूँगा, राइट, ठीक है, ये राइट पे हो गया, ठीक है, परफेक्ट हो गया। अब मुझे राइट पे अगर इसके साथ आइकॉन लगाना है कोई, तो आप क्लिक कर दो आइकॉन पे और आइकॉन लगा दो, आइकॉन, ठीक है। तो मैं यूज़र वाला अगर आइकॉन लगाना इंसर्ट किया तो इसके साथ यूज़र का आइकॉन लग गया, ठीक है। अदरवाइज अगर नहीं लगाना तो कोई इशू नहीं है, ना लगाओ, ठीक है। तो
तो बेसिकली सिर्फ वैसे बताने के लिए आया। अब ये क्लिक है, अब आइकॉन का साइज़ पूछ रहे हैं स्पेस साइज़ कितना हो, तो मैंने कहा परफेक्ट था वैसे, 0 बिल्डिंग परफेक्ट था, ठीक है। तो कंट्रोल वापस कर दिया। अब यहाँ लिखा हुआ है क्लिक हेयर, तो मैं अपनी मर्ज़ी से इस पर लिख सकता हूँ सबमिट, ठीक है। अब जैसे ही मैंने सामने लिखा तो ये चीज़ें कुछ आ गई। अब डिफ़ॉल्ट पे भी है, अब इन्फो भी है, ये वो पढ़ा है ना हमने, क्या उसका नाम है, डेंजर वार्निंग, ठीक है। डिफ़ॉल्ट डिफ़ॉल्ट में बूस्ट है, बूस्ट है में था, ठीक है। अब साइज़ भी है, स्मॉल एक्स्ट्रा मीडियम, तो मैं ये स्मॉल ठीक लग रहा था, परफेक्ट लग रहा था, अच्छा लग रहा है। तो मैं स्टाइल पे गया, मैंने स्टाइल पे गया, मैं टाइपोग्राफी पे गया, मैंने टाइपोग्राफी में इसको जो सब बिल्ट इन इसका था रूबिक किया, ठीक है। अब रूबिक थोड़ा सा रूबिक हुआ है, ठीक है। अब साइज़ तो थोड़ा सा था, साइज़ जो सा था बिल्ट इन, ठीक है, परफेक्ट है साइज़। और इसका वेट जो है मैं कम करता हूँ, सबमिट का वेट थोड़ा सा कम कर रहा हूँ, और ट्रांसफर में अपर केस से मैं डिफ़ॉल्ट कर रहा हूँ। बिल्ट इन पीछे अब ये देखो लोअर केस आ सकता है, अपर केस इसलिए नहीं आ रहा, डिफ़ॉल्ट में मैंने सेटिंग की हुई है, तो नॉर्मल ठीक है। लाइन हाइट थोड़ी सी ज़्यादा करना चाह रहे हो तो लाइन हाइट ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज ठीक थी, परफेक्ट थी पहली वाली, ठीक है। तो ये टॉपिक थोड़ा उठ नहीं रहा इस पर, तो कलर स्कीम आपको रिबोर्ड भी ठीक है, रिबोर्ड अच्छे कलर वैसे, रिबोर्ड का थोड़ा सा किया तो थोड़ा डार्क कर दिया, ठीक है। सबमिट, ये बड़ा बड़ा ना अच्छा नहीं लग रहा थोड़ा सा ना, ठीक है। तो ठीक, ये ठीक है थोड़ा सा, चलो खैर है, अदरवाइज बाद में देख लेंगे इसे। बेसिकली उसने जो सा कलर दिया हुआ है ना वो एरिया दिया हुआ है, एरिया एरियल, ठीक है, ये दिया हुआ है उसने। तो हमने डिफ़ॉल्ट में वहाँ से सेटिंग की हुई है, पर इसकी इस वजह से ना इधर चेंजिंग में प्रॉब्लम आ रही थोड़ी सी। तो अब देखो बैकग्राउंड कलर क्या था हमारा, ये वाला, ठीक है। अब टेक्स्ट कलर जो सा देना चाह रहे हो, ठीक है, जो देना चाह रहे हो दे सकते हो। तो मुझे टेक्स्ट कलर जो सा चाहिए वो ये चाहिए, ये वाला। तो मैं गया और मैंने टेक्स्ट कलर पेस्ट कर, ठीक है। तो मेरा टेक्स्ट और वो कलर चेंज हो गया, ठीक है। अब बॉर्डर, तो बॉर्डर में देना चाह रहा हूँ, ठीक है, बॉर्डर ठीक है, परफेक्ट है। बॉर्डर शेडो देना चाह रहा हूँ, नहीं देना चाह रहा। अब मेरे ये बटन बनाना है, अब मेरे पास दो ऑप्शन है, यहाँ तो ये मैं बटन को कॉपी कर लूँ, कॉपी किया, यहाँ आन के क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया, ये बटन वही बटन वहाँ पर बन गया, परफेक्ट है। कॉपी किया, ये देखो ये जैसे ही डॉट सा बनता है ये लिखा हुआ आता है, यहाँ से कॉपी पे ऑप्शन पे क्लिक करो, कंट्रोल सी से भी कर सकते हो, ठीक है। तो कॉपी किया और यहाँ पर ये जब जैसे ही ये ग्रीन होगा यहाँ पर जाके क्या कर देना, पेस्ट कर, तो ये पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो अभी के लिए हमें इसकी अलाइन, अब इस पर क्लिक कर रहा हूँ, इस पर क्लिक कर रहा हूँ, इसको लाइन कहाँ चाहिए, इसका अलाइन मुझे चाहिए, ये देखो लाइन बना हुआ है, मुझे चाहिए लेफ्ट पे, ठीक है, ये लेफ्ट पे बन गया। अब इसका कलर मैं देना चाह रहा हूँ, ये कलर जो सारा है इसको मैं ये वाला कलर दे रहा हूँ, और टेक्स्ट कलर चेंज करना चाह रहा हूँ, और यहाँ इसको मैं कलर ख़त्म ही कर दूँ, सिर्फ सिर्फ बॉर्डर रहने दो। तो मैंने क्या किया, मैं स्टाइल में गया, बैकग्राउंड कलर में जाके मैंने डिफ़ॉल्ट पहले कलर किया, उसके बाद मैंने बैकग्राउंड कलर डन कर दी, मतलब पेस्टी इसकी क्या कर दी, ख़त्म कर दी, पेस्टी ख़त्म कर दी। एक तो ये हाल है, ठीक है, दूसरा ये हाल है कि आप रिमूव कर सकते हो, इसमें अगर रिमूव की नहीं है तो आप पेस्टी उड़ा दो इसकी। अब मैंने पेस्टी उड़ा दी, अभी बिल्डिंग बना तो हुआ है, तो मैंने क्या किया, मैं बॉर्डर पर गया, सॉलिड किया, बॉर्डर सॉलिड किया, और वेट कितनी दे दी, 1, तो 1 नहीं 2 सीख लगेगी, 2 लगी, परफेक्ट। अब ये क्या हो गया, ये मेरा बटन डेवलप हो गया। अब सेम यही चीज़ बनेगी, ये देखो ये चीज़ बनेगी सेम, ये बॉर्डर वो था, ये वाला ये कलर वाला है, ठीक है। अब सेम चीज़ ये देखें और ये देखें, सेम परफेक्ट बन गया। ये जो होवर वाला है इसको इग्नोर करें कि होवर पे लगा हुआ है, इसे अभी देख लेते हैं, ये होवर पे रेडियस लगा हुआ है, ये देखें 2% का, या नहीं लगा बॉर्डर रेडियस लगा, इधर नहीं लगा हुआ, बिल्टिंग नहीं लगा हुआ है, ठीक है, उधर ही लगाया हुआ है सेटिंग में जाके, फर्स्ट जो सेटिंग की थी, ठीक है। तो ठीक है, तो अब मुझे इसका जो कलर है वो ठीक लग रहा है, ये भी कलर ठीक है, पर मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो सा कलर है ये वाइट हो जाए। तो मैंने टेक्स्ट पे जाके टेक्स्ट पे गया, टेक्स्ट पे टेक्स्ट कलर, ये चाहिए,
टेक्स्ट कलर बिल्ट इन क्या है, ये नहीं है, ये होवर पेज। वो इस पे जा गया, टेक्स्ट कलर जाके मैंने क्या किया, बिल्डिंग वाइट कर दिया। अब ये बिल्डिंग वाइट कलर हो गया, पर ये थोड़े से अच्छे नहीं नज़र आ रहे। क्यों नहीं नज़र आ रहे? क्योंकि ये ना फ़ॉन्ट बहुत बड़े बड़े लग रहे हैं। तो उसके लिए अगर आप अगर नीचे जाएँ, ऑप्शन आपके पास पैडिंग की है, तो आप अपनी मर्ज़ी से इसे पैडिंग एडजस्ट कर सकते हो। मैं कह रहा हूँ टॉप से और बॉटम से, मैं इसको बंद कर रहा हूँ, टॉप से 20% आए, ठीक है, राइट से मेरी आ जाए 30%, बॉटम से भी 20 और 30। ये बटन कुछ हिस्सा बना, और यहाँ पर मैं कह रहा हूँ बटन, अब अपनी मर्ज़ी से डेवलप कर रहे हो ना बटन। देखो 10 नहीं, यहाँ 30 आएगा, हाँ आएगा 10। अब ये देखो, अब अपनी मर्ज़ी से इसने हमने डेवलप किया, ठीक हो गया, अब परफेक्ट लग रहा है। अब बटन देखो, परफेक्ट लग रहा है थोड़ा सा। बैकग्राउंड कलर मैंने नन किया हुआ है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट किया है। टेक्स्ट कलर मैंने वाइट किया हुआ है, ठीक है, और जौन सा फोटो रेडियस का कलर है वो अगर आप चेंज करना चाह रहे हो तो कर लो। मैं इसको ये वाला देना चाह रहा हूँ, तो मैं बॉर्डर को कलर क्या करूँगा, यही कलर मैंने कॉपी किया, पेस्ट कर दिया, ठीक है, ओके। तो डायनेमिक में प्रो में जा रहा है डायनेमिक, ठीक है। एक मिनट, एक और चीज़ भी इधर होती है, ये देखो कलर नेम क्रिएट हो सकता है। अब ये देखो, अब मुझे अगर कलर कोई चूज करना है ना इनमें से, तो मैं डायरेक्ट कलर भी चूज कर सकता हूँ। ये देखिए, ये कितना हमारे लिए बेनिफिट दे दिया। अगर आप चाहते हो कि मैं कलर के अंदर ना जाऊँ बार बार, ये जो सा मुझे पेस्ट करना पड़ रहा था, ये जो सा बार बार, अब ये देखिए, ये जो से ये कलर से सारे मुझे बार बार पेस्ट करने पड़ रहे थे, तो मैंने क्या किया, मैंने कस्टम में किया और ये मैंने सारे कलर उधर दिए हुए थे। बिल्डिंग जब मैंने यूज़ किया था, मैंने सारे कलर एक बार दिए, सेकेंडरी में भी, टेक्स्ट में भी। अभी देखो, मैं जो सा जाऊँ और कलर दे सकता हूँ ईजीली। अब मेरा काम कितना शॉर्ट हो गया, मैंने एक बार कलर दिए और मैं सिर्फ जिस जिस पे सेशन पे जा रहा था वहाँ जाके कलर सिर्फ चेंज कर रहा था। देखो, ठीक है, बिल्ट इन मैंने ये कलर दिया हुआ बना के, अगर नहीं तो अब जाके यूज़ कर सकते कितना। अब ये हमारे पास हो गया। अब मैंने क्या किया, इसे अपडेट कर दिया। अब मैंने जैसे ही अपडेट किया, अब मैं अपनी वेबसाइट को देखता हूँ मेरी वेबसाइट कुछ किस तरह बनी है। अब देखें, मेरी वेबसाइट कुछ किस तरह से बनी हुई नज़र आ रही है। असल में ये जो चीज़ थोड़ी सी ज़्यादा डार्क हो गई है, हैवी हो गई है, और एक और थोड़ा सा इसे थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ा है। मैंने 3 डॉट पे क्लिक किया, मैं लेआउट पे आया और मैंने इसे थोड़ा सा हाइट ज़्यादा की, हाइट ज़्यादा की, तो उसके बाद स्टाइल पे जाके, शेप बिल्डर में जाके थोड़ी सी इसकी हाइट कम कर दी, सेव कर दिया, ठीक है। अब देखें, अब थोड़ा सा परफेक्ट लग रहा है, ये देखो, ठीक है। तो ये चीज़ है, ठीक है, अभी अभी के लिए इतना ही बहुत है, बहुत ज़्यादा हो जाएगा नहीं तो बस, ठीक है। अभी देखो, ठीक है, यहाँ तक परफेक्ट हो गया।